दोस्तों, आपके फेवरेट शो फना इश्क में मर जावा में आगे क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं हम एपिसोड में, चलिए बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। दोस्तों, एपिसोड में हम देखते हैं पाखी ईशान से मिलने हॉस्पिटल में जाती है और ईशान उसको सारी हकीकत बताता है, पर पाखी कहती है, मुझे पता है किस पर भरोसा करूं, तुमने पुलिस को पैसे खिलाए होंगे, तुम झूठे हो। आगे दोस्तों, पाखी कहती है, दोबारा मुझे कभी फोन मत करना ईशान, इट्स ओवर। आगे हम देखते हैं ईशान पाखी को रोकने की कोशिश करता है, पर पाखी समझ नहीं पाती कि उसे करना क्या है। आगे दोस्तों, पाखी अगस्त्या को फोन करती है और कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिमाग ईशान को गलत मानता है पर दिल नहीं मानता। आगे हम देखते हैं अगस्त्या ईशान को लिफ्ट देता है और ईशान कहता है, जितनी इन्वेस्टिगेशन करवानी है करवा लो, कुछ नहीं मिलने वाला। जिस पर अगस्त्या कहता है, अक्सर शांत पानी के नीचे एक सैलाब होता है। आगे दोस्तों, ईशान पाखी से मिलने जाता है और उसे सरप्राइज देता है और सॉरी भी कहता है। हम देखते हैं ईशान का प्यारा सा सरप्राइज देखकर पाखी खुश हो जाती है और ये सब अगस्त्या अपने कैमराज में देखता है। आगे हम देखते हैं अगस्त्या युग से कहता है, अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ईशान पाखी को नफरत करना स्टार्ट कर दे और तुम हॉस्पिटल वाला प्लान रेडी करो। आगे हम देखते हैं पाखी अगस्त्या को कहती है, ईशान और मुझ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो बस मेरी इनसिक्योरिटी के कारण थी। हम देखते हैं छोटी बच्ची माइशा जिसे मिलने पाखी जाती है, वो थोड़ा टाइम के लिए अपना ऑक्सीजन पाइप निकालने कहती है क्योंकि उसे कुछ खाना होता है, और उसी समय अगस्त्या के कहने पर नर्स ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर देती है। हम देखते हैं माइशा ऑक्सीजन सप्लाई ना मिलने से मर जाती है, ईशान उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं बच पाती है। हम देखते हैं अचानक से माइशा की पल्स वापस आती है और वो बच जाती है, पर ईशान पाखी पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मेरे पेशेंट्स के साथ मैं रिस्क नहीं ले सकता, स्टे अवे एंड गेट आउट। आगे दोस्तों, ईशान और पाखी में झगड़ा होता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।